सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चेन रिएक्शन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियोस देखे उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे यहाँ पे डिटेल्स जानकारी ली है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर चेन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो चेन रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह से होता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास मान लो कि यहाँ पे एक स्लो न्यूट्रॉन है। इस न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक न्यूक्लियस के एटम के ऊपर यहाँ पे हम बोम्बार्ड करते हैं, यानी कि उसके ऊपर यहाँ पे वो मतलब उसके साथ में अथड़ाएगा। जैसे ही वो पटकेगा उसके साथ में तो उसके क्या होगा, एक एनर्जी, एक चीज रिलीज होगी। वो यहाँ पे वापस क्या होगा, दो एटम में अलग अलग दो एटम में विभाजन होगा, यानी कि वहां पे फिजन होगा। जैसे ही ये फिजन होगा उसके बाद यहाँ पे साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन होता है और साथ में फ्री न्यूट्रॉन्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये रिएक्शन क्या होता है, यहां तक पहुंचे तो ये देखो यहाँ पे एनर्जी और रेडिएशन के बीच में जो तीन न्यूट्रॉन दिख रहे ना, वापस वो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे जाके न्यूक्लियस के साथ में रिएक्शन करेंगे और वापस ऐसे ही दो लो मास वाले हमें यहाँ पे एटम मिलेंगे, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस में रेडिएशन होगा। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। चलिए दोस्तों हम इसका एक रियल एग्जांपल देख के आगे बात करते। तो यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे यूरेनियम 235 92 यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, जिसका प्रोटोन यहाँ पे प्रोटोन काउंट 92 है, न्यूट्रॉन काउंट यहाँ पे 143 है। अभी क्या होगा दोस्तों, जो ये न्यूक्लियस अपने पास है ना सर, दोस्तों यूरेनियम 235 92 उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन की मदद से हम यहाँ पे बोम्बार्ड करेंगे, यानी कि उसके ऊपर यहाँ पे रिएक्शन देंगे। तो क्या होगा, इसके बाद एक प्रोसेस होगी जिसके अंदर से हमें यहाँ पे लेंथेनम और ब्रोमीन दो एटम यहाँ पे हमें मिलने वाले है। ये दो एटम के साथ साथ हमें यहाँ पे एनर्जी भी मिलेगी, रेडिएशन भी होगा और साथ में फ्री तीन न्यूट्रॉन भी हमें यहाँ पे मिलने वाले। तो दोस्तों ये जो फ्री न्यूट्रॉन मिले हैं ना, वापस सेम टू सेम आगे जाके वापस यूरेनियम 235 92 के साथ में वापस सेम प्रोसेस करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती, उसी को हम दोस्तों यहाँ पे चेन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदाश्रम हार्दिक को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं।